सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू लेक्चर। तो आज लास्ट क्लास में हमने पोलर प्लॉट पढ़ा था, हाउ टू प्लॉट पोलर प्लॉट, हाउ टू फाइंड आउट स्टेबिलिटी फ्रॉम पोलर प्लॉट। इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी नाइक्विस्ट प्लॉट, कि नाइक्विस्ट प्लॉट क्या होता है। ऑब्वियसली इन पोलर प्लॉट वी कैन नॉट फाइंड आउट number of poles in right half plane। Obviously, polar plot से मुझे ये पता लग जाता है कि system stable है या unstable है, but I cannot find out कि कितने poles जो हैं वो right half plane में आ रहे हैं। That I cannot find out। सो बट नाइक्विस्ट प्लॉट वी हैव एडवांटेज, नाइक्विस्ट प्लॉट के साथ ये एडवांटेज है मेरा, आई कैन फाइंड आउट नंबर ऑफ पोल्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन इन राइट ऑफ प्लेन, दिस वी कैन फाइंड आउट। ठीक है, पोलर प्लॉट जो था उसमें हम ये पता नहीं लगा सकते थे कि कितने पोल्स राइट ऑफ प्लेन में। ऑब्वियसली वी कैन फाइंड आउट स्टेबिलिटी यूजिंग पोलर प्लॉट, बट वी कैन नॉट फाइंड आउट नंबर ऑफ पोल्स, कितने पोल्स राइट ऑफ प्लेन में आ रहे हैं जो सिस्टम को अनस्टेबल कर रहे हैं। सो दैट वी कैन फाइंड आउट यूजिंग नाइक्विस्ट प्लॉट। और ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि नाइक्विस्ट प्लॉट यूज पोलर प्लॉट, नाइक्विस्ट प्लॉट में पोलर प्लॉट की रिक्वायरमेंट रहती है। नाउ बिफोर मूविंग टू द नाइक्विस्ट प्लॉट कैसे बनता है, लेट्स लुक एट द फंडामेंटल्स, कि फंडामेंटल्स क्या है नाइक्विस्ट प्लॉट के। तो फंडामेंटल्स देखते हैं नाइक्विस्ट प्लॉट के क्या क्या हैं। एज यू ऑल नो GSHS क्या होता है, मेरा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। GSHS इज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। डेल्टा ऑफ S दैट इज डिनोमिनेटर ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन इज 1+GSHS। इसे मैंने एक फंक्शन ले लिया डेल्टा ऑफ S डिनोमिनेटर को। सो सपोज GSHS है मेरा K(S+3)S(S+4), सो डेल्टा S विल कम आउट टू बी 1+K(S+3)S(S+4). सो S(S+4)K(S+3)S(S+4). सो दिस इज डेल्टा ऑफ S, दिस इज अ फंक्शन ऑफ S और दिस इज डिनोमिनेटर ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। सो अगर मैं बात करूँ तो डेल्टा S के जीरोज क्या होंगे, सो डेल्टा S के जीरोज क्या होंगे मेरे क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन पोल्स, ये क्या है मेरे क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन पोल्स, और वी कैन से देम एज जीरोज ऑफ डेल्टा एस के जीरोज या फिर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स। डेल्टा एस के डिनोमिनेटर है वो क्या है, दैट इज पोल्स ऑफ GSHS और डेल्टा एस और GSHS के पोल्स दोनों सेम है, दैट इज S(S+4)। सो ओपन लूप स्टेबल कब होगा सिस्टम, जब सारे के सारे पोल GSHS के सारे के सारे पोल्स या डेल्टा एस एक ही बात है, क्योंकि GSHS के पोल्स और डेल्टा एस के पोल्स दोनों का मतलब एक ही है, जब सारे के सारे लेफ्ट ऑफ प्लेन में लाई करें। क्लोज लूप स्टेबल कब होगा सिस्टम, जब डेल्टा एस के जीरोज या क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स एक ही बात है, दे विल लाई इन लेफ्ट ऑफ प्लेन। सो दिस इज वन ऑफ द कंसेप्ट दैट आई विल यूज लेटर। नाउ लुक एट द एनसर्कलमेंट एंड एनक्लोजमेंट। एनसर्कलमेंट और एनक्लोजमेंट क्या है, ये अभी तक हम फंडामेंटल्स पढ़ रहे हैं कि नाइक्विस्ट प्लॉट कैसे बता पाता है कि सिस्टम स्टेबल है या नहीं है, या कितने पोल्स राइट ऑफ प्लेन में है कैसे बता पाता है, उसके फंडामेंटल्स देख रहे हैं हम लोग। तो फर्स्ट पॉइंट टू रिमेंबर इज डेल्टा एस के जीरोस आर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन पोल्स एंड डेल्टा एस के पोल्स आर पोल्स ऑफ डेल्टा एस और पोल्स ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एनसर्कलमेंट एंड एनक्लोजमेंट। एनसर्कलमेंट इज कोई भी पॉइंट या रीजन एनसर्कल होगा अगर वो पाथ के अंदर है, कोई भी पॉइंट या रीजन एनसर्कल होगा अगर वो पाथ के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल
point A is said to be encircled. So this point A is said to be encircled because it is found inside the part. That whole region is said to be encircled because it is inside the path. Now look at the enclose. What is enclosement? Enclosement क्या होता है मेरा? अगर encirclement clockwise direction में, you can see अगर encirclement clockwise direction में, then it is said to be enclosed. या तो clockwise direction और we can say मेरा अगर point या region lie कर रहा right of the path. This is my hand. इसका राइट क्या होगा? ये रीजन. इसका लेफ्ट क्या होगा? इधर वाला रीजन. तो अगर हर एक पॉइंट पर मैं देखूं इन द डायरेक्शन ऑफ ब्रांच एरो, मेरे राइट में क्या आएगा? फॉर एग्जांपल अगर मेरा हैंड यहाँ पर है राइट पॉइंट बी में, लेफ्ट में ये वाला रीजन. सिमिलरली अगर मैं हैंड अपना यहाँ रखूँ इन द डायरेक्शन ऑफ ब्रांच एरो, इसका राइट पार्ट ये, लेफ्ट पार्ट ये. तो अगर कोई पॉइंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एनसर्कल है या फिर राइट ऑफ द पाथ लाई कर रहा है, अगर पाथ को मैं एरो की डायरेक्शन में लेके जाऊं तो वो पॉइंट क्या कहता है? कहलाता है एनक्लोज. सो दिस पॉइंट बी इज एनक्लोज. नाउ नेक्स्ट फंडामेंटल दैट वी आर गोइंग टू यूज इज प्रिंसिपल ऑफ मैपिंग. प्रिंसिपल ऑफ मैपिंग. अब ये प्रिंसिपल ऑफ मैपिंग क्या है? लेट सी कि प्रिंसिपल ऑफ मैपिंग क्या होती है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई एक्सप्लेन. अगर ये पॉइंट है मेरा एक 6, सपोज दिस पॉइंट है 6 इन एस प्लेन, एस इक्वल्स टू 6. अगर मैं इस पॉइंट को GSHS प्लेन, वेयर GSHS इज S+2 है मेरा GSHS, इस पॉइंट को GSHS प्लेन में मैप करूंगा तो कहाँ आएगा? ऑब्वियसली GSHS में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? एस इक्वल्स टू कितना है? 6. तो 6 प्लस 2 विल बी इक्वल टू 8. सो ये पॉइंट कहाँ मैप होगा जाकर? एट पर. सो दिस पॉइंट इज मैप्ड इन GSHS प्लेन में. कहाँ मैप हुआ ये पॉइंट जाकर? एट पर. सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट को मैप करूँ GSHS प्लेन में तो क्या आएगा? दिस पॉइंट इज S इक्वल्स टू 0. तो ये कहाँ पर आएगा ये पॉइंट? 2 पर. GSHS इक्वल्स टू 0 प्लस 2. सो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ मैपिंग कि कोई भी पॉइंट एस प्लेन का कैन बी मैप्ड इन टू करस्पॉन्डिंग पॉइंट इन एनी अदर प्लेन, वेयर एनी अदर प्लेन इज अ फंक्शन ऑफ एस. तो एस प्लेन से GSHS प्लेन में मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, वेयर GSHS प्लेन मस्ट बी अ फंक्शन ऑफ एस. GSHS इज फंक्शन ऑफ एस. तो ये पॉइंट मेरा यहाँ आ गया. सिमिलरली एनी पॉइंट ऑफ दिस एस प्लेन कैन बी मैप्ड इन टू GSHS प्लेन. कोई भी पॉइंट एस प्लेन का मैं मैप कर सकता हूँ GSHS प्लेन में. नाउ लेट्स लुक एट अनदर एग्जाम्पल. सपोज दिस इज एस प्लेन, दिस इज GSHS इक्वल टू 1/S+1. तो अगर ये पॉइंट अगर मैं मैप करूँ तो ये पॉइंट कहाँ मैप होगा यहाँ पर? 0. सो 1/0+1. This will come out somewhat here. ये पॉइंट कहाँ मैप हो गया यहाँ? सपोज ये पॉइंट है मेरा. सपोज दिस इज J1 कहाँ मैप होगा मेरा? 1/J1+1. सो 1/J1+1 कितना आएगा मेरा? 1/S+1. सो 1/J1+1 और वी कैन से 1/, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर प्लस रियल पार्ट का स्क्वायर, 1/√2 एट एन एंगल ऑफ -45°. सो दिस पॉइंट J1 इज इन GSHS क्या हो गया? 1/√2 एट एन एंगल ऑफ -45°. तो ये पॉइंट कहाँ आएगा? यहाँ. इसी तरीके से मैं और पॉइंट्स मैप करूँगा, ये. तो अगर J इन्फिनिटी का पॉइंट मैं मैप करूंगा, J इन्फिनिटी का पॉइंट कहां पर आएगा? 0 पर. सो J इन्फिनिटी पॉइंट विल कम एट 0. तो इस पूरे एक्सिस को अगर मैं मैप कर दूं तो मेरा कैसा आ रहा है मैपिंग? इस तरीके से.
सो जे जीरो से लेके जे इन्फिनिटी तक अगर मैं मैप कर दूं एस प्लेन में, जे जीरो से लेके जे इन्फिनिटी तक मैप कर दूं किस में, जी एस एच एस प्लेन में, सो व्हाट आई गेट दिस, वी ऑल नो कि ये क्या है, जी एस एच एस इक्वल्स टू 1/s+1। इसका पोलर प्लॉट कैसा आया था, इट वॉज एक्जैक्टली दिस। वहां पर भी मैं क्या कर रहा था, ओमेगा को वेरी कर रहा था जीरो से इन्फिनिटी, यहां पर भी क्या हो रहा है, ओमेगा ही वेरी हो रहा है जीरो से लेके इन्फिनिटी तक। तो अगर इस पूरे एक्सिस को मैप कर दिया जाए जी एस एच एस प्लेन में, इस पूरे एक्सिस को अगर मैप कर दिया जाए जी एस एच एस प्लेन में, तो मुझे क्या मिलेगा, पोलर प्लॉट। पोलर प्लॉट किसका, जी एस एच एस का पोलर प्लॉट। सो दैट वॉज द पॉइंट इन द प्रिंसिपल ऑफ मैपिंग, कि अगर मैं इस पूरे उसको मैप कर दूं जी एस एच एस प्लेन में, सो वट आई विल गेट, पोलर प्लॉट। सो दैट वॉज प्रिंसिपल ऑफ मैपिंग। नाउ प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट, अब ये प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या बोलता है, सो प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट कहता है, सपोज दिस इज एस प्लेन एंड सपोज दिस इज डेल्टा ऑफ एस प्लेन। प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट बोलता है, कहता है कि अगर एस प्लेन में मैं कोई भी एक क्लोज पाथ बनाऊं, अगर मैंने एस प्लेन में कोई भी एक क्लोज पाथ बनाया और एस प्लेन में मैंने एनक्लोज करा कोई भी पाथ, और इस क्लोज पाथ की बाउंड्री पर कोई पोल या जीरो नहीं है एस प्लेन में, और इस क्लोज पाथ के अंदर, इस क्लोज पाथ के अंदर सपोज, इस क्लोज पाथ जो मैंने एस प्लेन में बनाया है इसके अंदर सपोज दो जीरो हैं और एक पोल है, दो जीरो हैं एंड एक पोल है, तो इस पूरे पाथ को अगर मैं, इस पूरे पाथ को अगर मैं मैप करूंगा डेल्टा एस प्लेन में, ठीक है, जैसा मैपिंग मैंने पिछले अभी बताई है, अगर इस पूरे पाथ को, ये पाथ जो मैंने एरो बना रखा, इस पूरे पाथ को अगर मैं मैप करूंगा डेल्टा ऑफ एस प्लेन में, तो मेरा जो पॉइंट ओरिजिन है, ओरिजिन कितनी बार इंसर्कल होगा, पी माइनस जेड टाइम्स। फॉर एग्जांपल यहाँ इस पाथ के अंदर कितने पोल्स हैं, दो जीरोज हैं एक पोल है, सो पी माइनस जेड फॉर दिस केस विल बी एन इक्वल्स टू पी माइनस जेड, पी इक्वल्स टू 1 एंड जेड इक्वल्स टू 2, सो इट इज माइनस 1, एन कम्स आउट टू बी माइनस 1 फॉर दिस केस। तो इस पूरे पाथ को अगर मैं मैप करूंगा डेल्टा एस प्लेन में और इस पूरे पाथ के अंदर पी पोल्स और जेड जीरोज हैं, तो डेल्टा एस प्लेन में जो मैपिंग होगी वो मैपिंग क्या करेगी, एनसर्कल करेगी, एनसर्कल करेगी ओरिजिन को कितनी बार, माइनस 1 टाइम्स। अब माइनस 1 टाइम्स का मतलब है एक बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट। सो आई एम रिपीटिंग इट अगेन, अगर मैंने एस प्लेन में कोई भी एक क्लोज पाथ बनाया और उस क्लोज पाथ के अंदर पी पोल्स और जेड जीरोज हैं, और इस क्लोज पाथ को अगर मैं मैप कर दूं डेल्टा एस प्लेन में, डेल्टा एस वी ऑल नो व्हाट इज डेल्टा एस, 1+GSHS, डेल्टा एस इज 1+GSHS प्लेन, तो जी एस एच एस प्लेन में मैप करने के बाद जो ओरिजिन है वो कितनी बार एनसर्कल होगा, पी माइनस जेड टाइम्स। सो पी माइनस जेड इज माइनस 1 एयर, सो इट कम्स आउट टू बी ओरिजिन कितनी बार एनसर्कल हुआ, एक बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, माइनस साइन रिप्रेजेंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नाउ टेक एनी अदर एग्जाम्पल, और कोई एग्जाम्पल लो, सपोज दिस इज अनदर एग्जाम्पल, इसमें मेरे पास एक पोल है, एक पोल है और एक जीरो है, अगर इसको भी मैं, दिस इज अगेन एस प्लेन, दिस इज डेल्टा ऑफ एस प्लेन, तो कितनी बार है और एनसर्कल होगा, एन इक्वल्स टू पी माइनस जेड, सो पी इज 1, जेड इज 1,
जीरो, सो देर विल बी नो एनसर्कलमेंट ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन एक भी बार एनसर्कल नहीं होगा इसमें. सो टू बेटर अंडरस्टैंडिंग लेट्स टेक एन अदर एग्जाम्पल. दिस इज अ क्लोज्ड पाथ इन एस प्लेन. सपोज आई हैव टू पोल्स ओनली. सो एन इक्वल्स टू फॉर दिस केस इज पी माइनस जेड विच इज इक्वल्स टू टू माइनस जीरो कम्स आउट टू बी टू. दो का मतलब है ओरिजिन कितनी बार एनसर्कल होगा, दो बार, बिकॉज इट इज अ पॉजिटिव साइन. दो बार किस डायरेक्शन में, प्लस का मतलब दो बार किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज. वन एंड अगेन टू, कितनी बार एनसर्कल हुआ, दिस पॉइंट इज एनसर्कल्ड एक एंड दो. ठीक है, फर्स्ट एनसर्कलमेंट, सेकेंड एनसर्कलमेंट, बिकॉज साइन वॉज पॉजिटिव सो इट इज एनसर्कल्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. माइनस साइन आता तो डायरेक्शन क्या हो जाती है, इसकी उल्टी हो जाती है एरो की. सो दैट इज प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट. सो ऑल ऑफ दीज आर रिटन नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट ऑफ ओरिजिन. अगर मैं एस प्लेन से डेल्टा एस प्लेन में मैपिंग करता हूं, और एस प्लेन में अगर मैंने सपोज एक क्लोज पाथ बनाया, उस क्लोज पाथ के अंदर पी पोल जेड जीरोज हैं, तो डेल्टा एस प्लेन में मैपिंग करने के बाद, इस पूरे इसकी मैपिंग करने के बाद जो ओरिजिन है वो कितनी बार एनसर्कल होगा, पी माइनस जेड टाइम्स. दैट इज प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट. सो नाइक्विस्ट ने प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट का यूज करके फाइंड आउट करा कि स्टेबिलिटी कैसे निकालेंगे. सो उसने क्या करा, नाइक्विस्ट ने क्या करा, नाइक्विस्ट पाथ डिफाइन करा. अब उसने नाइक्विस्ट पाथ कैसे डिफाइन करा, लेट्स सी. सो नाइक्विस्ट ने क्या करा, सबसे पहले उसने क्या करा, पूरा एस प्लेन का राइट हाफ प्लेन कवर कर लिया. एस प्लेन का पूरा राइट हाफ प्लेन कवर कर लिया. दिस इज द कंप्लीट राइट हाफ प्लेन. ये जो मेरी वैल्यू बन रही है, तो सबसे पहले उसने इस एक्सिस पे गया, इस एक्सिस पे भी पोल नहीं होना चाहिए. फिर उसने ये इन्फिनिटी मैग्नीट्यूड का एक सर्कल है, सेमी सर्कल. दिस इज आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी, रेडियस इन्फिनिटी है इसका. दिस इज पाथ, दिस इज थर्ड, ये वाला एक्सिस माइनस जे इन्फिनिटी से जीरो. दिस इज जे जीरो से लेके जे इन्फिनिटी है. इन जे इन्फिनिटी से जाके इन्फिनिटी रेडियस का ये, और फिर माइनस जे इन्फिनिटी से जीरो. और फिर उसने क्या करा, एक क्योंकि ओरिजिन पे भी पोल नहीं होना चाहिए, तो वहां पर भी एक छोटा सा सर्कल बना रखा है. क्योंकि मैंने बताया कि इसकी बाउंड्री पर, जो भी मैं इस प्लेन में क्लोज पाथ बना रहा हूं, उसकी बाउंड्री पर भी क्या है, कोई भी पोल नहीं होना चाहिए. सो सपोज दिस इज आर टेंड्स टू जीरो, इट इज वेरी स्मॉल सर्कल. तो उसने क्या करा, पूरे एस प्लेन पे क्लोज पाथ बना दिया. और इस एस प्लेन को जब मैं जीएसएचएस प्लेन में मैप करूंगा, इस एस प्लेन को जब मैं जीएसएचएस प्लेन में मैप करूंगा, सो आई विल गेट, सपोज दिस इज एस वन, दैट इज एस वन, फ्रॉम जे जीरो टू जे इन्फिनिटी दिस इज टर्म्ड एज एस वन. तो अगर एस वन को मैं मैप करूंगा, एस वन को अगर मैं मैप करूंगा एस प्लेन से जी एस एच एस प्लेन में, सो वट आई विल गेट, ये मैंने अभी भी बताया प्रिंसिपल ऑफ मैपिंग में. दिस इज, अगर मैं इस पूरे एक्सिस को मैप कर रहा हूं जी एस एच एस प्लेन में, तो मुझे क्या मिल रहा है, पोलर प्लॉट. तो यहां मुझे क्या मिला, पोलर प्लॉट. तो मैप करा एस वन को, दिस इज जी एस एच एस प्लेन, जी एस एच एस प्लेन में मैपिंग होने के बाद जो मिल रहा है मुझे, एस प्लेन में पूरा राइट हाफ प्लेन कवर कर लिया. और जी एस एच एस प्लेन में इस एस वन को अगर मैप करोगे जी एस एच एस प्लेन में, तो मुझे क्या मिल रहा है, पोलर प्लॉट.
Similarly, S2 is this, that purple arrowed semicircle. This is S2. So to map S2 को मैप करने के लिए क्या हो रहा है, व्हाट वी पुट S इक्वल्स टू लिमिट R टेंड्स टू इन्फिनिटी R e टू द पावर j थीटा, वेयर थीटा वेरीज फ्रॉम, थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहा है, यहाँ एंगल कितना है, प्लस पाई बाय टू से लेके माइनस पाई बाय टू, हियर द एंगल इज माइनस पाई बाय टू, थीटा वेरीज फ्रॉम प्लस पाई बाय टू टू माइनस पाई बाय टू. दिस इज मैपिंग ऑफ एस टू फ्रॉम एस प्लेन टू जी एस एच एस प्लेन. नाउ नेक्स्ट इज S3. S3 क्या है, माइनस जे इन्फिनिटी से जीरो. दिस इज नथिंग, दिस इज नोन एज इनवर्स पोलर प्लॉट. और मिरर इमेज ऑफ S1. S1 का जो भी आएगा पोलर प्लॉट उसकी मिरर इमेज आएगी मेरी S3. दिस इज S3. नाउ S4 क्या है मेरा, ये जो छोटा सा सेमी सर्कल बनाया मैंने, फॉर सो टू मैप S4 वी पुट S इक्वल्स टू लिमिट R टेंड्स टू जीरो R e टू द पावर j थीटा, बिकॉज इट इज अ वेरी स्मॉल सर्कल, सो लिमिट R टेंड्स टू जीरो, एंड वेयर थीटा वेरीज फ्रॉम माइनस पाई बाय टू टू प्लस पाई बाय टू, थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी होगा, माइनस पाई बाय टू से लेके प्लस पाई बाय टू, हियर इज माइनस पाई बाय टू, दिस इज प्लस पाई बाय टू. सो व्हाट वी हैव डन, एस प्लेन का पूरा राइट हाफ प्लेन कवर कर लिया और उसको मैप कर दिया जी एस एच एस प्लेन में. और ऑब्वियसली वी नो प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट. प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या कहता है कि एस प्लेन में कोई भी क्लोज पाथ बनाओ उसके अंदर जितने पोल और जीरोज हैं उतनी बार एनसर्कलमेंट होगा ओरिजिन का. बट प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट में मैंने बताया था कि मैपिंग किससे कर रहा हूँ, एस प्लेन से डेल्टा एस प्लेन में. सो एस प्लेन से डेल्टा एस प्लेन में कर रहे हैं. बट यहां तुमने क्या करी है मैपिंग एस प्लेन से जी एस एच एस प्लेन में. सो द फॉर्मूला विच इज इक्वल टू एन इक्वल टू पी माइनस जेड. वहां पर एनसर्कलमेंट किसका देख रहे थे हम, ओरिजिन का, क्योंकि वहां मैपिंग किसमें थी, डेल्टा एस प्लेन में. यहां मैपिंग मैंने किसमें करी, जी एस एच एस प्लेन में. तो एनसर्कलमेंट हम जो देखेंगे वो देखेंगे माइनस वन का, बिकॉज वन प्लस डेल्टा ऑफ एस एस वन प्लस जी एस एच एस इक्वल्स टू जीरो एंड जी एस एच एस इक्वल्स टू माइनस वन. तो यहाँ जो एनसर्कल एंड हम देखेंगे वो माइनस वन का देखेंगे, इसकी जगह जीरो की जगह. पी कितने पोल राइट ऑफ प्लेन में है, ठीक है, इसके राइट ऑफ प्लेन पूरा कवर है, कितने पोल आएंगे यहाँ, दैट इज पी. और नंबर ऑफ पोल्स पी इज नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स इन राइट ऑफ प्लेन. ओपन लूप के कितने पोल राइट ऑफ प्लेन में, या फिर नंबर ऑफ पोल्स ऑफ डेल्टा एस, क्योंकि मैपिंग किस में हो रही है, जी एस एच एस में. तो कितने पोल्स हैं डेल्टा एस के, डेल्टा एस के पोल्स क्या होते हैं, दैट इज ऑल्सो ओपन लूप पोल्स. ये स्टार्टिंग में मैंने बताया था, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन स्टार्टिंग. सो दैट इज डेल्टा एस, डेल्टा एस के पोल्स आर पोल्स ऑफ जी एस एच एस, ओपन लूप के पोल्स जो है. जेड इज नंबर ऑफ जीरोज ऑफ डेल्टा एस, कि कितने जीरोस है डेल्टा एस में. डेल्टा एस के जीरोस का क्या मतलब है, डेल्टा एस के जीरोस दैट इज क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स. सो जीएसएचएस प्लेन में मैप करने के बाद हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ओपन लूप स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए, पी इक्वल्स टू जीरो. ओपन लूप कब स्टेबल होगा, पी इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि पी क्या है, ओपन लूप पोल्स इन राइट ऑफ प्लेन. क्लोज लूप स्टेबल कब होगा, जब z इक्वल टू जीरो होगा. z इज
zeros of delta s or number of closed loopholes in right half lane. मतलब right half lane में अगर एक भी pole नहीं है तब closed loop क्या होगा? Stable. So that was the concept of Nyquist. That was the fundamental of Nyquist plot. कि Nyquist plot से मेरी stability कैसे निकलती है और Nyquist path कैसे decide किया गया कि that is Nyquist path. डिपेंडिंग अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ मैपिंग और प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट का यूज़ करके मैंने क्या करा, यूज़ करा उसे अपने नाइक्विस्ट पाथ को डिफाइन करने में. तो z इक्वल टू अगर 1 है, अगर z इक्वल टू 1 है इसका क्या मतलब है, एक क्लोज लूप पोल्स राइट ऑफ प्लेन में है. सो दैट वॉज अबाउट द नाइक्विस्ट पाथ एंड नाइक्विस्ट क्राइटीरिया. नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू न्यूमेरिकल्स ऑन नाइक्विस्ट प्लॉट. नाइक्विस्ट प्लॉट बनाएंगे सेम वे जैसे मैंने यहाँ मैपिंग लिखी है, सेम वे जो मैंने मैपिंग लिखी है उसी तरीके से हम नाइक्विस्ट प्लॉट बनाएंगे. और नाइक्विस्ट प्लॉट बनाने के बाद वी विल अप्लाई द फार्मूला एन इक्वल्स टू पी माइनस जेड. ये फार्मूला अप्लाई करेंगे. ये फार्मूला अप्लाई करने के बाद आई विल चेक जेड, बिकॉज जेड ही मेरी स्टेबिलिटी बताएगा. तो मैं जेड चेक करूंगा, अगर जेड जीरो होगा तो सिस्टम स्टेबल होगा, अगर नहीं होगा जीरो तो इट विल बी अनस्टेबल. So that was the Nyquist path and Nyquist criteria. In the next class, we will plot Nyquist plot for transfer function and we will find out stability of transfer function. ठीक है, one point to be noted is Nyquist plot भी मैं open loop से बना रहा हूँ, polar plot भी मैंने open loop transfer function से बनाया था, but the stability जो हम find out कर रहे हैं that is for closed loop. स्टेबिलिटी जो मैं निकाल रहा हूँ, जेड क्या है, क्लोज लूप के पोल्स, स्टेबिलिटी क्लोज लूप की फाइंड आउट कर रहे हैं, जबकि मैं जो बना रहा हूँ पोलर प्लॉट हो चाहे नाइक्विस्ट प्लॉट हो वो किसका है, बना ओपन लूप से रहा हूँ, स्टेबिलिटी क्लोज लूप की फाइंड आउट कर रहा हूँ. सो दैट वॉज अबाउट दिस क्लास, नाइक्विस्ट पाथ एंड फंडामेंटल्स ऑफ नाइक्विस्ट क्राइटीरिया. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल इम्प्लीमेंट दिस method and we will implement this formula to find out the Nyquist plot for transfer function. Thank you.